हरे कृष्णा। आज मैं अभी मदन मोहन मंदिर के पास में हूँ, तो वृंदावन में कैसे मदन मोहन आए ये वीडियो में आपको बताऊंगा। तो और यहाँ पे मदन मोहन की मंदिर कैसे स्थापित हुआ इसके बारे में बताऊंगा। तो कृपा करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आगे से जितने सारे स्पिरिचुअल वीडियो आएगा आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसे कि हम मैं बोला अभी मदन मोहन मंदिर के बारे में बताऊंगा, तो ये मदन मोहन मंदिर यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ। तो ये मदन मोहन मंदिर जो है, तो सनातन गोस्वामी एक प्रमुख आचार्य, एक महान संत है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया बना के भजन कर रहे थे। तो भजन के दौरान में तो क्या करते थे, उनके भजन में इतना मगन थे, उनके पास समय नहीं होता था। तो जैसे कि वो भोग लगाना, भगवान को कुकिंग करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, ये नहीं हो पाता था। तो क्या करते थे, ग्रंथ रचना करते थे, माला जप क्या करते थे, तो इसमें पूरी तरह से भगवान की भजन में मगन थे। तो वो क्या करते थे, जब भोजन लगाना होता था, भगवान को प्रसाद लगाना होता था, तो वो कुछ माधुकरी करके कुछ आटा ले आते थे ब्रजवासियों से। तो उसको क्या करते थे, पानी में डाल के तो एक टिक्कड़ बना के तो आग में जलाते थे, उसके बाद भगवान को अर्पण कर देते थे। तो भगवान मदन मोहन अपने आप बात करने लगते थे, बोले ये मेरे गले में नहीं जा रहा है। मदन मोहन बोलते ये मेरे गले में नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा इसमें नमक दिया करो। तो सनातन गोस्वामी उनको डांटते थे, नहीं 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 आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा, मैं तो बाबा जी हूँ, कहाँ से मेरे पास धन आएगा, कहाँ से मेरे पास समय है, तो मैं कहाँ जाऊँगा आपके लिए इतना सारा कुछ बनाऊँगा। आज बोल रहे हो मुझे नमक चाहिए, कल बोलेगे मुझे मालपुआ चाहिए, खीर चाहिए, कचौरी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर डिमांड करोगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं है, आपको ऐसा ही खाना पड़ेगा। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने सोचे शायद मेरा व्यवस्था मुझे ही करना पड़ेगा। तो कुछ उन दिनों में क्या हुआ, तो लोग जो व्यापार करते हैं आजकल में, हम ट्रेन में, कुरियर में, हमारे जो पार्सल वगैरह आना जाना हो रहा है, लेकिन उन दिनों में व्यापारी लोगों ने क्या करते थे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े नौका के माध्यम से नदी में व्यापार करते थे, सारा सामग्री लेके जाते थे, व्यापार करते थे। तो एक व्यापारी ने बहुत सारा व्यापार का चीज़ लेके नौका में जा रहा था। तो क्या हुआ, तुरंत भगवान ने क्या किया, अच्छा खासा मौसम था, भगवान ने क्या किया, बारिश करा दिए और आंधी तूफान करा दिए। तो व्यापारी करोड़ों का सामान था, ये खुद डूबने का चक्कर में और नौका डूबने का चक्कर में था। तो खुद क्या कर रहा, खुद ही मार के नौका से तैरते तैरते चला गया नदी के किनारे, जाके पूछने लगा कोई मुझे मदद कर सकता है, कोई मुझे मदद कर सकता है। तुरंत भगवान ने क्या किया, एक 7 साल का बच्चा बन के उनके सामने आ गए, बोले क्या चाहिए बाबा, ना मेरा नौका डूबने वाला है, कहीं करोड़ों का सामान है ये तो डूब जाएगा, कोई मेरा मदद कर सकता है। तो भगवान ने इशारा करके दिखाए जहाँ पे सनातन गोस्वामी कुटिया बना के भजन कर रहे थे, बोले उधर जाओ, एक सिद्ध बाबा है, बहुत बड़ा बाबा है, वो आपका मदद करेगा, तो उसको जाके मदद मांगो। तो तुरंत व्यापारी जाके बोला बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ सनातन गोस्वामी के सामने। तो सनातन गोस्वामी बोले क्या हो गया, ना मेरा अभी नौका डूबने वाला है, कहीं करोड़ों का सामान इसमें है तो डूबने वाला है, इस यमुना में जा रहा है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने, वो लड़का ने बोला जी आप ही ने उसको मेरा मदद कर सकते हो। तो फिर सनातन गोस्वामी ने मुस्कुराए, उनको पता चले कृष्ण ने ये व्यवस्था किया है। तो सनातन गोस्वामी बोले जाओ तुम किनारे में जाओ, तुम्हारा नौका किनारे में आ चुका है, यमुना किनारे जाओ। तो सचमुच व्यापारी जब आके देखा, वो पूरा नौका सही सलामत में सारा सामग्री के साथ किनारे में आ चुका था। तो व्यापारी ने बड़े प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। तो व्यापारी ने बोला, तो आके तुरंत भागते हुए फिर बाबा को प्रणाम किया, सनातन गोस्वामी को, बोला बाबा मैं कुछ आपको मदद करना चाहता हूँ, आपने मेरा करोड़ों का सामान बचा लिया है, आपकी कृपा से मेरा सारा सामान आ गया है, तो मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले मैं तो बाबा जी हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है ना, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, ये मदन मोहन के लिए एक भव्य मंदिर बना दो, ताकि लोग आएंगे यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, उनका पूजा अर्चना हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो फिर वही हुआ, तो व्यापारी ने क्या किया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बना, उसमें से मदन मोहन की स्थापित हुआ। तो ये मदन मोहन असली जो विग्रह है अभी, तो ये यहाँ से राजस्थान चले गए हैं। तो इसे कथा भी इस तरह से आता है, राजस्थान के जो राजा था, तो वो बहुत बड़ा धार्मिक था, उसकी बेटी जो थी वो भी बहुत बड़ा धार्मिक था। तो वो क्या करती थी, मदन मोहन को पूजा किया करती थी, लेकिन जब उसकी विवाह हुआ, यहाँ से ब्रज से लेके उसको राजस्थान जाना पड़ा, तो उसके तो लगाव था मदन मोहन के प्रति,
तो उसको मन था जब मैं दहेज में ये मदन मोहन को साथ में लेके जाऊँ, लेकिन मदन मोहन को कैसे साथ में लेके जाएं, तो पिताजी तो देंगे ही नहीं। तो पिताजी को डिमांड किया लड़की कि मुझे मदन मोहन की विक्रम मेरे साथ दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगी। तो पिताजी ने बोले नहीं, अगर तुमको लेना है, पिताजी के पास और बहुत सारा विग्रह था, तो पिताजी ने बोले ठीक है मैं दूसरा कोई विग्रह दे देता हूँ। तो फिर वो बेटी ने बहुत लगाव था मदन मोहन के प्रति, तो उन्होंने प्रार्थना करने लगी और रोने लगी मदन मोहन के सामने। तो मदन मोहन ने बोले उनको, बोले देखो तुम मेरे साथ चले जाओगे, लेकिन तुम पिताजी बोल रहा है उनका पिता, हाँ उनके पिताजी ने एक शर्त रखे थे, मेरे घर के सारे विग्रह में रखूंगा और तुम्हारे आँख में पट्टी बांधूंगा, तुम अंधेरे में जाओगे जो छुओगे अगर तुम्हारे हाथ में अगर मदन मोहन आ जाए तो मदन मोहन ले जाना, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी आए तो उसी को ही लेके जाना पड़ेगा। तो वो बेटी ने क्या किया, तो मदन मोहन के सामने जाके रोने लग गई, कुछ तो कृपा करो। तो फिर मदन मोहन ने बोलने लगे, तू सारे बिगड़ा जो छूने लगेगी ना, तो तुम मेरे पास जब आओगी ना मैं तुम्हारा हाथ को खींचूंगा, तुम पता चल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा जब मैं ही कुछ मदन मोहन हूँ, तभी उनको तुम मुझे पकड़ लेना, तो तुम्हारे पिताजी दे देंगे। तो वही हुआ, तो बेटी ने जो पूरा सारा बिगड़ा छू रहा था, जब मदन मोहन के पास आया, मदन मोहन उनका हाथ को खींचने लगे, तो उन्होंने पकड़ ली। तो पकड़ने के बाद तो वो खुश हो गई, गदगद हो गई, तो वो उसका विवाह हुआ जब वो मदन मोहन को साथ में लेके गई। आज मदन मोहन करौली में है, तो यहाँ नहीं है, वृंदावन में नहीं है, करौली में है। लेकिन ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मंदिर वही व्यापारी की वजह से बना हुआ है यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य क्या, भगवान अपने सारे व्यवस्था कर लेते हैं, और खास तौर से भक्तों की जो गुणगान करने के लिए, भक्तों की जो क्रेडिट को देने के लिए, वो भगवान कुछ लीलाएं करते भक्तों के साथ। यही पास टाइम है, इसीलिए यहाँ पे जो भव्य मंदिर जो है मदन मोहन मंदिर है। लेकिन जब मुगल साम्राज्य आया तो औरंगजेब ने उसकी तो गंबुज को तोड़ दिया है, लेकिन ये भव्य मंदिर अभी भी विराजमान है, बहुत दिव्य मंदिर है, आप लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।